Good morning students, welcome to your computer class. In this particular lecture, the topics which I am going to cover in Excel includes cell address, operators in Excel and calculation in Excel. So I am going to give you a practical demonstration about all these features of MS Excel, but before that I will give you a brief on in particular features. Cell address basically required होता है to distinguish between two different cells. अगर हमें जो भी हमारे cells दिए हुए हैं उनको हमें distinguish करना है तो वो distinguish जो हम करेंगे उनको हम जो करेंगे वो उनके cell address से करेंगे. It is a very simple thing to understand कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हैं तो आप मुझे अपना simply address बताएंगे तभी मुझे पता चल पाएगा कि आपका घर कहाँ है. इसी तरह एक सेल जो होता है उसको अगर मुझे रेफ़र करना है उसमें मुझे कोई चीज़ लिखनी है तो मैं जो रेफ़र करूँगा मैं उसके एड्रेस को करूँगा. ठीक है, तो इसी तरह अगर मुझे पता करना है कि ये पर्टिकुलर सेल कहाँ पर है तो मुझे उसका एड्रेस पता होना चाहिए. अगर मुझे उसका एड्रेस पता है तो मैं जो हूँ उसको बेसिकली मैं लोकेट कर पाऊँगा कि ये किस पर्टिकुलर सेल के बारे में बात हो रही है. आपको ये चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी जब मैं आपको उसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊँगा. देन हम आते हैं ऑपरेटर्स इन एक्सेल. एक्सेल के अंदर कुछ आपके ऑपरेटर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक प्लस माइनस डिवाइड. इस तरह के जो कैलकुलेशन होते हैं हमारे वो हम एक्सेल यूज़ करते हैं तो वो उसके लिए एक्सेल हमें कुछ ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है जिनको हम यूटिलाइज करते हैं. फाइनली बात आती है हमारे कैलकुलेशन एक्सेल. अगर हमें एक्सेल के अंदर कुछ कैलकुलेशन करने हैं तो हम वो कैसे करेंगे. सो आई एम गोइंग टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स आउट हियर. सो नाउ लेट्स मूव टू MS Excel जहाँ मैं आपको इसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊँगा. Okay, so as you can see now that I have opened MS Excel in my computer, so now I'm going to basically cover all those topics which I have actually talked about. So the first thing which I had actually talked about was cell address. So what is cell address? जिस तरह मैंने बताया था cell address basically तरीका है जिसके थ्रू मैं कोई भी पर्टिकुलर सेल को लोकेट कर सकता हूँ. तो अगर मान लीजिए मुझे पता करना है जो है किसी भी सेल का एड्रेस तो मैं कैसे पता करूँगा. तो उसके लिए सिंपली मुझे करना क्या है, मैं किसी भी सेल पे जाके माउस से क्लिक कर दूंगा. क्लिक करते ही वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा. जब ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा तो आप जो है इस वर्कशीट की टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे जहाँ मैं अपना बेसिकली माउस का पॉइंटर लेके आ रहा हूँ तो वहाँ पर नेम बॉक्स लिखकर आ रहा है. उस नेम बॉक्स में G7 लिखा हुआ है. तो G7 बेसिकली इस सेल का एड्रेस है. G मतलब जो है आपका इज़ दी कॉलम नेम एंड 7 इज़ दी रो. सो मैं कॉलम जी के अंदर रो 7th का जो सेल है उसका है ये एड्रेस. तो जैसे ही मैंने क्लिक करा इसको, उसके बाद अगर मैं इसको किसी और सेल पे क्लिक करूँगा तो ये एड्रेस चेंज हो जाएगा. अब यहाँ पर जो एड्रेस दिया हुआ है वो है G10. तो ये होता है आपका सेल एड्रेस. अच्छा, अब हम जो बात करेंगे ऑपरेटर्स इन MS Excel. ओके स्टूडेंट, दीज आर दी ऑपरेटर्स ऑफ MS Excel. एज यू कैन सी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर. सो ये आपके ऑपरेटर्स हैं जिनको मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ टू परफॉर्म माय मैथमेटिकल कैलकुलेशन. जो सिंबल है एडिशन का वो ये है, प्लस सब्ट्रैक्शन का ये है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ये है, डिवीजन का ये है, एंड दिस वन इज़ फॉर द पावर. पावर मीन मतलब अगर मुझे लिखना हो x इज टू पावर 2, 3, 4, 5 इस तरह का मुझे अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो वहाँ पर मैं पावर का बेसिकली यूज़ करता हूँ. एंड आउट हियर आई हैव आल्सो गिवन यू अ एक्सप्लेनेशन अबाउट इट कि ये आपका सिंपल बेसिकली हम यूज़ करते हैं ऐड टू नंबर्स. अगर मैं दो नंबर को ऐड करना है तो मैं एडिशन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा. सब्ट्रैक्शन मैं तब करता हूँ जब मुझे एक नंबर दूसरे नंबर को बेसिकली सब्ट्रैक्ट करना है. एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हम जो है मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे. फिर डिवाइड अ नंबर बाय अनदर तो वी विल यूज़ दिस. एंड फाइनली जो कैलकुलेट अ वैल्यू ऑफ वन नंबर रेज टू द पावर ऑफ अदर नंबर दैट इज़ एक्स इज टू वाई. तो ये बेसिकली आपके ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं इन एक्सेल. देर आर नंबर ऑफ अदर ऑपरेटर्स विच आर देर इन एक्सेल, बट एज ऑफ नाउ अकॉर्डिंग विद द बुक ऑफ योर क्लास
हम इन पर्टिकुलर ऑपरेटर्स के बारे में ही बात करेंगे. सो दिस वॉज अ बेसिकली काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू यू रिगार्डिंग ऑपरेटर्स इन एमएस एक्सेल. अब हम जो बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट हाउ वी कैन पॉसिबली परफॉर्म द कैलकुलेशंस इन एमएस एक्सेल. ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे हाउ वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशन इन एमएस एक्सेल. जैसे मैंने बताया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, उसको मैं परफॉर्म कैसे करूँगा. तो पहला जो मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करूँगा वो है एडिशन का. तो उसके लिए मुझे पहला काम ये करना है, मुझे कुछ नंबर्स एंटर करने पड़ेंगे. एटलीस्ट दो नंबर्स मुझे एंटर करने पड़ेंगे एक्सेल में, जिनको मैं ऐड करना चाहता हूँ. तो पहला नंबर जो है वो मैं एंटर करूँगा जो है हमारे सेल B3 में. यहाँ देख सकते हैं इसका एड्रेस B3 है. मैम को इंटरनेट 4 आउट है. उसके बाद मैं सेकंड सेल जो है मेरा, जिसका एड्रेस C3 है, यहाँ ऊपर देख सकते हैं, मैं वहाँ 5 एंटर करूँगा. उसके बाद मैं थर्ड सेल जो मेरा है, जिसका एड्रेस E3 है, यहाँ पर मैं वहाँ पर आऊँगा. और यहाँ पर मैं चाहता हूँ E3 के अंदर कि जो मेरा एडिशन हो, उसका जो उसका रिजल्ट आए या जो आउटपुट आए वो यहाँ पर शो हो. तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू प्रेस इक्वल टू साइन. इक्वल टू साइन बेसिकली हम यूज़ करते हैं वहाँ पर, क्योंकि हमारा जो भी अगर हम फॉर्मूला यूज़ करना चाह रहे हैं एडिशन का, या हम इस तरह का कोई भी हम चीज़ परफॉर्म करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो वहाँ हम इक्वल टू के थ्रू हम एक्सेल को बता देते हैं कि यहाँ पर मैं कोई पर्टिकुलर मैथमेटिकल फॉर्मूला मैं एंटर करने वाला हूँ. अब मुझे जो काम करना है फिलहाल वही करना है. मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैं जो बी आपका जो B3 है वहाँ जाके एक दफ़ा क्लिक कर दूँगा. और उसके बाद क्लिक करने के बाद मैं जो हूँ यहाँ पर प्लस साइन कीबोर्ड की मदद से वो एंटर कर दूँगा. एंड आई एम गोइंग टू देन क्लिक C3. C3 क्लिक करने के बाद हम नोट करेंगे यहाँ पर जो है इसका एड्रेस B3 प्लस C3 एंटर हो गया. अब मुझे जो काम क्या करना है, मैं सिंपली जो कीबोर्ड का एंटर किए मैं वो दबाऊंगा. और आप देख सकते हैं इनका इसका आउटपुट 9 जो है यहाँ पर आ गया है. इसी तरह अगर मुझे सब्ट्रैक्शन अगर परफॉर्म करना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मैं कुछ नंबर एंटर, मान लीजिए 5 एंटर कर दिया. और यहाँ पर जो है मैं एंटर कर देता हूँ 2. और इस जगह पर अगेन आई एम गोइंग टू प्रेस इक्वल टू साइन. इक्वल टू साइन होने के बाद मैं जो हूँ B5 जो है बेसिकली मेरा जो है सेल, उस पर क्लिक करूँगा. एंड आई एम गोइंग टू देन माइनस जो है आपका साइन सब्ट्रैक्शन को एंटर करूँगा. एंड आई एम गोइंग टू क्लिक दिस पर्टिकुलर सेल एंड आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर. नाउ यू विल सी जिसका जो आउटपुट है वो यहाँ पर. उसके बाद जो है आई एम गोइंग टू परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन. यहाँ पर मैं 6 एंटर करूँगा. देन आई एम गोइंग टू एंटर मान लीजिए 5. और मैं जो हूँ इसको यहाँ पर, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर इसका आउटपुट आए. आई एम गोइंग टू क्लिक अगेन, आई एम गोइंग टू क्लिक इक्वल टू. एंड मैं इस पर क्लिक करूँगा. यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई का साइन एंटर करूँगा कीबोर्ड की मदद से. एंड आई एम गोइंग टू अगेन क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर सेल. और फिर मैं कीबोर्ड को मैं जो एंटर की वो प्रेस कर दूँगा, तो इसका जो आउटपुट है वो आ जाएगा यहाँ पर 30. फिर हम बात करते हैं डिवीजन की. डिवीजन के अंदर हम क्या क्या करेंगे. डिवीजन में अगेन आई एम गोइंग टू मान लीजिए 6 मैंने एंटर कर दिया. यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया 2 आउट है. आई एम गोइंग अगेन प्रेस इक्वल टू साइन. इक्वल टू साइन के बाद अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जगह पे अब जो है मैं जो हूँ डिवीजन बेसिकली यूज़ करूँगा. तो डिवीजन का साइन ये हो गया. एंड आई एम गोइंग टू प्रेस दिस और मैं एंटर की दबा दूंगा यहाँ पर. तो आप देखेंगे जो था यहाँ डिवीजन हमारा जो था परफॉर्म हो गया. ठीक है. लास्टली पावर मैं मान लीजिए मैं ये को यूज़ करूँगा. यहाँ पर 5 मैंने एंटर करा. मैंने यहाँ पर एंटर करा 2. अब मैं यहाँ पर पावर को यूज़ करूँगा. मैं यहाँ इक्वल टू लूँगा. इक्वल टू पर आई एम गोइंग टू B8 है आपका जिसका एड्रेस है वहाँ. फिर मैं जो हूँ यहाँ पर कीबोर्ड की मदद से आई एम गोइंग टू एंटर दिस पर्टिकुलर साइन. ये पावर का साइन होता है. एंड आई एम गोइंग टू क्लिक दिस पर्टिकुलर सेल. तो अब यहाँ पर B8 जो है पावर साइन एंड C8 मतलब ये बेसिकली मैं लिखना चाह रहा हूँ 5:2. मुझे इस तरह लिखना चाह रहा हूँ. तो मैं यहाँ पर इसको ये लिखने के बाद एंटर की दबाऊँगा. तो आप देख सकते हैं मेरे सामने इसका आउटपुट आ गया. तो ये हो गया इसका रिजल्ट 25. तो 5 5 25 5:2 का जो आउटपुट होगा वो 25 होगा बेसिकली. सो बेसिकली ये तरीका है जिसके थ्रू हम जो है कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं एमएस एक्सेल में. सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर. नाउ आई वांट फ्रॉम योर साइड दैट यू शुड वॉच दिस वीडियो केयरफुली. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कन्फ्यूजन अबाउट एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी. माई नंबर इज ऑलरेडी गिवन ऑन द ग्रुप. एंड
इवन यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन इन एक्चुअली यूट्यूब कमेंट बॉक्स बेसिकली इफ यू हैव एनीथिंग विच यू नीड टू आस्क मी अबाउट. थैंक यू.